नोटबुक में सारे बच्चों ने पेज नंबर, जो अगर अलिफ का कोई पेज रह गया है आपने
आई थिंक अलिफ के दो पेज किए थे, ठीक है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 7। पहले आपने पेज नंबर 7 किया था, फिर पेज नंबर 8 किया था और फिर पेज नंबर 9 किया था। अब आपके पास बचा हुआ है वर्ड बुक में, नोटबुक में पेज नंबर 10 और 11। आपको ये भी अलिफ का कंप्लीट करना है, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। ये सारी ट्रेसिंग की अगर आपके पास ये नहीं हुआ हुआ है तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए और फिर आ जाइए। दो पेज आपको वो करने हैं और फिर आपको बेकर तारुफ जैसे आपका वर्ड बुक में कराया था बिल्कुल ऐसे नोटबुक में है। अलिफ से शुरू होने वाले वाली तस्वीर में रंग भरे, इसमें लिखा हुआ है अलिफ से शेष सरगर्मी है, मतलब आपकी प्रोग्रेस है। ये वाला पेज जो है इसमें अलिफ से आने वाले तस्वीर में कलर करना है, तो अलिफ से क्या है, अंगूर। बिल्कुल अलिफ से अंगूर, आप अंगूर पे कलर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपको बे ट्रेस करना है और पूरे पेज पे बे करना है। आपको लगता होगा मैं इसको बहुत सारा काम दे देती हैं, हम थक जाएंगे, हमारे हाथ में दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादा काम नहीं देती हैं, मिस जो है वो आपको पूरे 1 वीक का काम देती हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल आते तो रोज़ भी तो उर्दू पढ़ते ना। अब मिस आपकी 1 वीक में आपकी 2 क्लास होती हैं, तो उसमें मिस डिवाइड करके आपको काम दे देती हैं। ये काम आपको अब अगले हफ्ते तक करना है, ये इस पूरा हफ्ते आपको ये काम करना है, फिर नेक्स्ट क्लास तक फिर दूसरा काम दूंगी। अभी ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, आपकी जो आपकी नोट वो है वर्ड बुक उसमें 2 पेजेस दिए हैं, इसमें आपको पहले का आज़ार से बात अलग भी करना था, तो इसमें आपके 4 पेजेस हो गए, इसमें आपको बे को ट्रेस करना है। अब ये ज़्यादा काम हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जो आगे वाले बे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूँगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये वर्क समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एसओपीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने मम्मा से ये मत सोचिए कि सिर्फ मिस वीडियो पे आती है तो बाकी घर में मम्मा होती है, आपको मम्मा की सारी बातें माननी है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो मिस के फेवरेट होते हैं, वो मम्मा की बात मानते हैं। आपको एक बात पता है, जब आप मम्मा की बात नहीं मानते ना तो मुझे सब पता चल जाता है कि किस किस बच्चे ने मम्मा की बात मान दी, वर्क किया था, किसने खुद वर्क किया था, किसने खुद वर्क नहीं किया था। आपको पता है ये मैजिक टीचर के पास होता है, इसलिए होता है कि वो आपको पढ़वाती है, आप उनके पास लगे ने ये मैजिक दिया हुआ होता है कि उनको पता चल जाता है कि किस कौन सा काम आपने खुद किया है और कौन सा काम आपकी मम्मा ने किया है, ठीक है बच्चों। अपना बहुत ज़्यादा